हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, ये देखिए, हर्षद ने मुझे साड़ियों की शॉपिंग करवाई है। वाह 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 ज्योति बहन, आपके पास तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। अरे एक से बढ़कर एक साड़ी आपने अभी देखी कहाँ है? ये देखिए, लेटेस्ट डिजाइन का पटोला पूरे 75,000 का है। और ये देखिए, ये है कांचीपुरम साड़ी। ज्योति बहन, कांचीपुरम इडली होती है, कांजीवरम साड़ी है। हाँ वही, सेम टू सेम। और ये देखिए, ये मराठी नववारी पैठणी है, सोने के तार वारी पूरे 1,00,000 की है। देखिए, वाओ। और ये साड़ी है गढ़वाल साड़ी, और ये सिल्क की बनारस साड़ी पूरे 25,000 की है। देखिए, वाह वाह ज्योति भाभी, मतलब कश्मीर के पश्मीना से लेके तमिलनाडु के कांजीवरम साड़ी तक पूरे इंडिया की साड़ियाँ खरीद लाई हैं आप। हाँ। क्या करेंगी इतनी साड़ियों का? इतनी साड़ियाँ कहाँ है, 5 साड़ियाँ तो है। ओले, बस 5 साड़ियाँ हैं? 5 साड़ी है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि हर्षद भाई ने दिल खोल के गिफ्ट दिए ज्योति भाभी को। ओ हेलो सहेलियों, ये साड़ियाँ हर्षद ने मुझे दिलाई नहीं है, ये तो वो गुंडे हफ्ता वसूल करते हैं ना, वैसे हर्षद से साड़ियाँ वसूली है मैंने। वाह वाह ज्योति बहन, सही किया। मुझे मेरे नाटक घर की मुर्गी बर्गर बराबर ना समझ उसे दाल बराबर की नायिका की याद आ गई। मैं भी आपके इस आइडिया पर अमल करूंगी और दकू से ऐसे ही गिफ्ट निकलवाऊंगी। वाह वाह, निकलवाइएगा, जरूर निकलवाइएगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा यामिनी भाभी आपने, जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो पत्नियों को ऐसे बहानों से ही पतियों से गिफ्ट निकलवाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नियों का स्टेटस घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हो जाता है। बेसिकली पति पत्नियों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सही कहा वंदना बहन, शादी से पहले दकू मुझे हर वीकेंड पे घुमाने ले जाता था, और अभी महीने में एक बार ले जाता है। महीने में एक बार तो लेकर जाते हैं, राज और मुझे बाहर गए हुए तो कई कई बार 6-6 महीना निकल जाते हैं। और आप दोनों हर्षद को तो जानती हो ना, उनका पहला और आखिरी प्यार शेयर बाजार है, तो मेरा नंबर ही नहीं आता। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब शादी पुरानी हो जाती है, तो वो जो कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं और डिनर डेट्स होते हैं, ये सारे रोमांटिक चोचले ना खत्म हो जाते हैं। अच्छा वंदना भाभी, आपको ये बात बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। क्योंकि मैंने और यामिनी भाभी ने देखा है कि राजेश भैया कितने रोमांटिक हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, करते हैं करते हैं करते हैं, मतलब राज बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो, शर्म से गाल लाल हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे जरा भी शिकायत नहीं कि राज जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट आई एम लकी कि राज मेरी लाइफ में। बट मैं बताऊं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि वो जो कपल्स का मी टाइम होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। कि शादी जब पुरानी होती है तो ये मी टाइम ना कहीं खो जाता है, ऐसे घर गृहस्थी के चक्करों में कपल्स का मी टाइम पिसके रह जाता है। वाह, आपने तो कविता कर दी। मम्मा ने ये शिकायत कभी की नहीं, पर ये शिकायत उनके मन में है तो कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। हेलो, आपको मेरा एक काम करना होगा। सुनिए, एक बात बताइए। हाँ? आप जब मुझे देखने आए थे ना, मतलब शादी करने के लिए, तो आपको मेरी सूरत पसंद आई थी या मेरा नेचर? मुझे तुम्हारा कम बोलना पसंद आया था, लेकिन उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। अच्छा, तो ले आते ना कोई बिल्कुल ना बोलने वाली। हाँ? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, मजाक कर रहा था मैं। दरअसल राधिका, मैं तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों का दीवाना हो गया था। अरे है, जब तुम हंसती हो ना बिल्कुल हेमा मालिनी लगती। और आपके भी चेहरे पे ना धर्म जी की चमक है। धर्म जी और हेमा जी को शनि बाजी अपने 2.5 किलो के हाथ जोड़कर नमन करता है। खुश रहे पुत्र। खुश रहे बेटा, खुश रहे। बसंती, एक कप चाय हो जाए,
क्या बात है पापा? मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। भगवान, ओ फुल्ली फिल्मी हो आप। अच्छा मम्मी, फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे सखी का फोन आया था। हाँ। उसने ना वंदु के दिल की एक बात बताई है। वंदु ने सही कहा मम्मी, शादी के बाद गृहस्थी संभालने के चक्कर में ना मैं बंधु को वक्त नहीं दे पाया। वही तो। देख बेटा, तूने ना सारे फर्ज अच्छी तरह से निभाए। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज, अच्छा पिता होने का फर्ज, ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय होने का फर्ज, बस अब ना तुझे अच्छा पति होने का फर्ज निभाना है। मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। ओके। अरे ये काम मैं कर लूंगी। अरे काम कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहा हूं। ओहो, मिस्टर बिजी वागले मेरे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहे हैं? हाँ, इतने रोमांटिक हो रहे हैं, क्या हो गया गहरा? कुछ कुछ होता है बंधु, तुम नहीं समझोगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? गारंटी पीरियड बस खत्म ही होने वाला है। उसी गारंटी पीरियड को रिन्यू करने के लिए एक डिनर डेट पर चलते हैं। डिनर डेट? मतलब आपके जासूसों ने अपना काम कर दिया? अरे जासूसों ने तो अपना काम कर दिया है, अभी सेवक की बारी है, तो सेवक विनती करता है कि उसे सेवा करने का मौका दीजिए। सेवा करने का मौका? ठीक है, तो चलिए पैर दबाइए। ओके। वाह वाह। वाह वाह वाह। आह। छोड़ो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तो कहती हूँ ना, हर पति को अपनी पत्नी के पैर दबाने चाहिए, कभी न कभी। अरे बिचारी पत्नियां दिन भर एक टांग पे खड़ी रहती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है कि नहीं? लेकिन मम्मी पत्नी एक टांग पर क्यों खड़ी रहती है? दोनों टांगों पर अच्छा बैलेंस होता होगा ना? चुप। अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं और ये दोनों, मतलब हम तीनों ने फैसला किया है कि कल रात तुम दोनों रोमांटिक डिनर पे जाओगे और उसके बाद एक बढ़िया सी लेट नाइट रोमांटिक मूवी देखोगे। यस। कोने के सीट पकड़ गए। दादी, नहीं 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 माँ, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये फाइनल हो चुका है। हाँ, डिनर पर जा रहे हैं, दैट्स फाइनल, तय हो चुका है। नहीं तो एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं डिनर पे। हाँ, फैमिली डिनर करेंगे। ओके? बिल्कुल नहीं, फैमिली डिनर नहीं, कपल डिनर पे जाओगे आप। यस। और वैसे भी कल दादी हमें पिज्जा पार्टी दे रही है। यस। आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है। ओके? अच्छा मामा सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। राजू राजू इधर। ये बंधु के लिए गिफ्ट खरीदी ना? अभी तक जैसा चाहिए वैसा मिला नहीं है। कल तक मिल जाएगा। लेकिन मैं डिनर टेबल पर बंधु को दूंगा तो खुश हो जाएगी ना? खुश क्या, गिफ्ट देख के ना खुशी के मारे रो पड़ेगी। मेरी वजह से आपके घर में कैसा क्लेश हो रहा है और मेरी वजह से आपको सरदर्द, अनिद्रा और बदहजमी कैसे हो रही है? आप वन्ना अभी को डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं ना? हाँ तो, और डिनर के बाद आप परम पूज्य वन्ना भाभी को फिल्म देखने भी ले जाएंगे? आपको कैसे पता चला? जिससे पता चला सारी क्लेश वहीं से तो हुई है। ओ अच्छा 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 अच्छा, यामिनी भाभी और ज्योति भाभी ने आपको ये बात बताई? सिर्फ बताई नहीं राजेश भाई, ताना मार के जताई भी है। बोला राजेश भाई कितने कितने केयरिंग हस्बैंड है और आप लोग वो क्या था वो नाकारा
नहीं नहीं कोई और वर्ड था, लापरवाह। हाँ, राजेश भाई कितने केयरिंग हस्बैंड है और आप लोग कितने लापरवाह। हंसिए हंसिए आप तो जो। अरे क्या हंस रहे हो राजेश भाई? अरे देखिए साफ साफ बात ये है कि आपका एग्जांपल दे दे के हमारी बीवियों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। अरे राजेश भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं ज्योति को पैसे दे सकता हूँ, टाइम वाइम नहीं दे सकता मैं। पंटर की बात बिल्कुल सही है राजेश भाई, आपने अपना बार इतना हाई सेट कर दिया ना कि हमारी बीवियां कंपैरिजन करती है और कंपैरिजन की वजह से झगड़ा होता है, झगड़े की वजह से हमें सिरदर्द होता है और सिरदर्द की वजह से बदहजमी होती है, बदहजमी की वजह से अनिद्रा आती है, सब आपकी वजह से राजेश भाई। एक मिनट, आपके इस प्रॉब्लम का ना एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास, बताऊं? अरे बताऊं क्या, बताइए ना राजेश भाई क्या बताऊं। ओके, आपकी भाषा में, शेयर मार्केट वाली भाषा में समझाता हूं। देखिए जैसे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरह शादी भी म्यूचुअल फंड ही होता है। हर महीने उसमें ना लव केयर और सपोर्ट की इन्वेस्टमेंट करते रहो और फिर देखना आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है ना वो आपको कितने बढ़िया रिटर्न्स देगी। लेकिन राजेश भाई मैं ज्योति को फिल्म दिखाना नहीं लेके जा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिल्म देखने मत ले जाओ ना, बीवियां जो होती है ना वो थोड़े बहुत में खुश हो जाती है, अपने हाथों से एक कप चाय पिलाओ। है नहीं पॉसिबल है? तो ठीक है, बीवी अगर आपको एक कप चाय पिलाती है तो एटलीस्ट तारीफ तो कर सकते हो ना। हाँ, तारीफ के दो मीठे शब्द बोल दो, रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मेहनत को नोटिस करो, अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन दिल से। हाँ बस इतना ही तो कर ले। लगातार ये केयर और कंसर्न की SIP चलाते रहोगे ना तो म्यूचुअल फंड की तरह आपका मैरिज फंड आपको हैप्पी रिटर्न्स देगा ही देगा। क्या बात है, वाह 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 राजेश भाई, क्या मस्त समझाया आपने, मस्त एकदम, मतलब सारी उलझन ही सुलझ गई। अच्छा मेरी ज्योति जो है वो मोम दिल की है, ऐसे फट से पिघल जाती है। और देखा जाए तो मेरी हम भी बड़े कोऑपरेटिव नेचर की है, आई मीन थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा वक्त दे ना तो उसके मन को भी आसानी से जीता जा सकता है। अरे तो जीतिए ना, सोच क्या रहे आप। बीवी वो ऑलराउंडर होती है जिस पर गृहस्थी की पारी टिकी होती है। ओहो, मैं अभी भागता हूँ, मेरी ऑलराउंडर के लिए मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदना है। गिफ्ट? आ तो जो। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट खरीदने वाले होंगे? मुझे क्या पता। थैंक यू सो मच अथर्व बागड़े। थैंक यू तो ठीक है डैडी, लेकिन आपने ये छोटे से बच्चे से जूते पॉलिश करवाने का जो जुल्म किया है ना, उसके लिए आपको 100 रुपए तो देने होंगे। ए बाबा, क्या मैनिपुलेटर बच्चा है मेरा। हेलो, ये जूते मैं खुद पॉलिश कर रहा था, तुम जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गए कहकर कि मैं पॉलिश करता हूं, अब इस बात के पैसे मांग रहे हो। अच्छा पैसे अगर चाहिए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? कि आपने पूछा ही नहीं। अच्छा मतलब मुझे क्या, पैसे दे दो और झगड़ा खत्म करो ना, क्यों ऐसा प्लीज। मतलब लो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था। ओके थैंक यू। नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। स्मॉल करेक्शन, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, नोट तो उठाता हूँ ना, दे दो ना प्लीज, ऐसा मत करो। चालू हो ना, तो लो। थैंक यू छोड़ो सखी, मम्मी कहाँ है, मम्मा कब आने वाली, लेट हो रहा है। मैं पूरे 3 बार दरवाजे पे नॉक कर चुका हूँ और पिछले आधे घंटे से 5 मिनट 5 मिनट बोल रही है सखी दीदी। ओ सखी, मम्मी, ए दुष्ट सखी। देखते रह जाएंगे, बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने आ रही है बागले परिवार की मलिका। दा 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 दा। मम्मी क्या ये, चलो ना। अरे चुप कर, आ रही है, मुंह बंद कर तेरा। वन एंड ओनली मिसेस वंदना बागले। देख राजू, मैंने और सखी ने मिलके बंदूक को कैसे तैयार किया है। ये मुझे भी ऐसे दुपट्टा पकड़ के जाना पड़ेगा क्या? डा 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 डा
राजू क्या तरीका है, मस्ती मत करो मां। राजू बस करो ना, क्या मस्ती कर रहे हो। हाँ यहाँ हो प्रिय। एक मिनट। ओके ओके। हेयर, मेकअप, साड़ी, वाह वाह, बैंगल्स, कान, तो पूरा सेट क्यों नहीं पहना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है, पूरा सेट किसी ऐसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। स्पेशल ओकेजन तो मतलब ये स्पेशल ओकेजन नहीं है। हां चलो जाओ जल्दी पहन कर आओ। जाओ नहीं, समझो ना बात को, वो बहुत महंगा है, उसको ऐसे संभाल के रहना। मम्मी मम्मी देखो अभी मतलब ये जो ओकेजन है उसे छोड़कर 5-6 साल के बाद जो कोई ओकेजन आएगा उसमें वो पहनेगी। कम ऑन, प्लीज समझो ना बात को राज। मान जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं। मम्मी आप समझाइए। बंधु क्या कर रही तू? अरे इतने प्यार से लेके जा रहा है तुझे डिनर के लिए, इससे ज्यादा स्पेशल ओकेजन क्या हो सकता है। हाँ। और देख वो पहन के ना हार, तू ना एकदम प्रिंसेस लगेगी। सखी आ रही जल्दी। सखी ये हुई ना बात। राज प्लीज उसको प्लीज केयरफुल ना, वो इतना संभाल के रखा है। तो संभाल के सिर्फ रखना नहीं है, अरे काफी संभाल कर पहनना भी। बस राज एक मिनट रुको। कितना सुंदर लग रहा है। मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। बिल्कुल ऐसे खुशी से खुद ही दीवाने हो रहे हैं। अरे वंदु ये तो कुछ भी नहीं है, राजू ने जो स्पेशल गिफ्ट लिए ना तुम्हारे लिए, वो देख के तो तू राजू की दीवानी हो जाएगी। अच्छा डैडी ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हैं मम्मा को? सरप्राइज है, क्या हम जा सकते हैं? Thank you. Nice. Good evening, sir. Good evening. What would you like to have, sir? आपके पास घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है? नहीं सर। घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है नहीं यहाँ पर। अरे तो बेसिक डिश है ना। नहीं आई हैव नेवर टेकन यू फॉर ग्रांटेड। ओके वंदु ये हाथ तो मतलब तो हाउ अबाउट दिस, इस उंगली के लिए रिंग साइज याद है मुझे। दिस इज ब्यूटिफुल राज। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम मत कहो। थैंक यू क्योंकि तुमने हमेशा खुद को पीछे रखकर परिवार की खुशी को आगे रखा। दूसरा हार्ट है सॉरी का, तुम्हें दिल से सॉरी कहता हूं क्योंकि अपनी लाइफ में मैं इतना उलझा हुआ था, तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे सका। Oh, oh, oh.
प्रॉमिस कि तुम जब भी जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू सो मच राज, मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए राज, इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। अरे नंदु रानी, ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे और स्पेशल करना है, इसलिए डिनर के बाद हमें फिल्म देखने जाना है। फिल्म नहीं देखते ना, डिनर करते आराम से। डिनर आराम से करेंगे, ऐसे थोड़े ऐसे ऐसे खाते हुए जाएंगे, डिनर आराम से करेंगे, लेकिन फिल्म तो देखनी है। अरे मैंने थिएटर में ऐसे कॉर्नर के दो सीट्स बुक किए हैं, तुम फिल्म देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। राज फिल्म देखने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाएगा, रात के 1 बज जाएंगे घर पहुंचते। अरे 2 बज जाने दो, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। हाँ तो शायद दूध वाले के साथ ही घर पहुंचेंगे। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं, बगल वाली सीट पर तुम होती तो कैसा होता, पीछे वाली सीट पर तुम बैठी होती तो कैसा होता, तुम इस सीट से ये कहती, तुम उस सीट से वो कहती, तुम इस बात पर इतना हंसती, तुम इस अंगूठी पर हैरान होती। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।